नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड त्रैमासिक कक्षा 11 के भौतिक शास्त्र के मॉडल पेपर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मित्रों आज के इस वीडियो में बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि आपके एमपी बोर्ड त्रैमासिक में इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप मित्रों चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पहला, एक समान वृत्ति गति में कौन सी राशि नियत रहती है? तो मित्रों जो चाल है वो समान वृत्ति गति में राशि नियत रहती है। आगे देखते हैं मित्रों क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, किसी वस्तु को वृत्ति पथ पर चलाने के लिए हमें वस्तु पर आरोपित करना पड़ता है, तो अभिकेंद्र बल आरोपित करना पड़ता है। क्या मित्रों इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही है, अभिकेंद्र बल आरोपित करना पड़ता है अगर किसी वस्तु को वृत्ति पथ में चलाना हो तब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यम द्रव्यमान का एक कण आठ त्रिज्या के वृत्ति कण पर कार्यरत अभिकेंद्र बल है, तो मित्रों इसका क्या अभिकेंद्र बल होगा? इसमें डी ऑप्शन सही है, एमवी स्क्वायर अपान आर। तो मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी नंबर का ऑप्शन सही, एमवी स्क्वायर अपान आर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान कोणीय वेग डब्ल्यू से चक्कर लगा रहा है, कण पर कार्यरत अभिकेंद्र बल है, तो मित्रों जो अभिकेंद्र बल होगा यम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या होगा मित्रों? यम आर ओमेगा स्क्वायर। चलिए मित्रों पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिमान है, अभिकेंद्र बल क्या होगा? 1000 न्यूटन होगा। क्या होगा मित्रों? 1000 न्यूटन होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चल रहे हैं, उन पर आरोपित अभिकेंद्र बल का अनुपात क्या होगा? तो मित्रों जो इन पे आरोपित अभिकेंद्र बल का अनुपात होगा वह R2 अपान R1 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, एक समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्या वृत्ति पथ से चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वृत्ति पथ से चल रहे हैं, यदि उन पर लगे अभिकेंद्र बल बराबर हो जाए तो उनके कोणीय वेगों का क्या अनुपात होगा? कोणीय वेग कह रहा है, करणी में R2 अपान R1 है। राइट, अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्ति गति से कौन सी राशि नियत रहती है? वेग। राइट, तो मित्रों अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जिक्र करेंगे। जय हिंद, जय भारत।